जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते चलो। आज जो वीडियो है वो है पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा के वरदान, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या भेद है, उसी के ऊपर ये वीडियो है। तो अंत तक मेरे साथ बने रहो। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर देना, पर वीडियो पूरा देखना, आता देखकर कुछ मान मत लेना। एक वचन हम पढ़ते हैं, पहला कुरंथी उसका 12 अध्याय और 8 से लेकर 11 वचन। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की फरक और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। हालेलुया। यहाँ पर जो लिखा है कि पवित्र आत्मा के वरदान, इंग्लिश में कहा जाता है गिफ्ट, आम शब्द है, आपको पता चल जाए गिफ्ट। जब किसी की बर्थडे होती है हम जाकर उसको कुछ देते हैं, उसे गिफ्ट कहते हैं। ये परमेश्वर की कृपा से है। ये सारे वरदान, यहाँ पर 9 वरदान है और वो पवित्र आत्मा से है। और 11वां वचन उसमें खास लिखा है कि पवित्र आत्मा जैसे चाहते हैं वैसे लोगों को बांट देते हैं। तो ये पवित्र आत्मा के वरदान है, पवित्र आत्मा की गिफ्ट है, जो पवित्र आत्मा जैसे जैसे लोगों को चाहिए वैसे लोगों को बांट देते हैं। ऐसे वरदान और भी बाइबल में लिखे हुए हैं, और भी ऐसे वरदान है। लेकिन एक वचन पढ़ते हैं गलातिया उसका 5वां अध्याय उसका 22 और 23 वचन। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। यहाँ पर लिखा है कि पवित्र आत्मा के फल, तो यहाँ पवित्र आत्मा के फल के बारे में लिखा है। और यहाँ फल भी जो है वो 9 तरह के यहाँ पर फल जो है लिखे हुए, फल और वरदान दोनों अलग अलग बताए गए हैं। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में भेद क्या है, दोनों में भिन्नता क्या है? देखो, एक को बताया गया पवित्र आत्मा के वरदान, दूसरे को बताया गया पवित्र आत्मा के फल। जो फल है वो वरदान नहीं और जो वरदान है वो फल नहीं, दोनों अलग अलग है। और बाइबल में हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 12वां अध्याय उसका 33 वचन। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो। तो उसके फल को भी अच्छा कहो, मतलब पेड़ अच्छा है तो उसका फल भी अच्छा है। फिर या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो। तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, मतलब पेड़ निकम्मा है तो फल भी निकम्मा है, पेड़ अच्छा है तो फल भी अच्छा है। फिर क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। मतलब पेड़ की पहचान उसका फल है। फल से पता चलता है ये कौन सा पेड़ है। पवित्र आत्मा का फल, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फल है तो पवित्र आत्मा पेड़ है और उस पेड़ की पहचान, पवित्र आत्मा की पहचान
वरदान नहीं लेकिन फल है। अगर फल नहीं है तो पेड़ नहीं है, पेड़ नहीं है तो फल नहीं है, ये दोनों साथ साथ में है। पवित्र आत्मा नहीं तो उसके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा के फल भी नहीं। पर पवित्र आत्मा नहीं तो पवित्र आत्मा के वरदान नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। पवित्र आत्मा नहीं तो भी पवित्र आत्मा के वरदान हो सकते हैं। क्यों, कैसे? वरदान मतलब गिफ्ट। अगर आपने किसी को गिफ्ट दी, भेंट, चलो किसी बच्चे के बर्थडे थी, आपने खिलौना जाकर उसको दे दिया, खिलौना देकर वापस आप आ गए, क्या खिलौना लेकर वापस आते हो? क्या वापस जाते हो तो खिलौना आपके पीछे पीछे आता है? अब जिसके पास वो खिलौना है वो बच्चा क्या बोलेगा, स्टैनली अंकल ने खिलौना दिया। एक खिलौना लेकर ऐसा बोलेगा ये स्टैनली अंकल है? नहीं। तो मैं वहां पर उपस्थित हूं या नहीं हूं लेकिन मेरी दी हुई गिफ्ट वहां पर मौजूद है। तो पवित्र आत्मा के वरदान, चाहे पवित्र आत्मा है या नहीं है लेकिन उनके वरदान वहां पर मौजूद है। और इसको बाइबल से हम देखते हैं, पहला कुरंथी उसका 13वां अध्याय और उसका पहला वचन, यदि मैं मनुष्य और स्वर्ग दूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं थरथराता हुआ पीतल और झलझलाती हुई झांझ हूं। यहां पर लिखा है कि अगर मैं स्वर्ग दूतों की बोलियां बोलूं या आप किसी और भी बोलियां बोलूं, मतलब अन्य भाषा की बात कर रहे हैं जो पवित्र आत्मा के वरदान है, अगर मैं अन्य भाषा बोलूं पर मेरे अंदर प्रेम ना हो तो प्रेम तो पवित्र आत्मा का फल है। तो फल कहां पर लगता है? पेड़ के ऊपर लगता है। तो ये अन्य भाषा बोलने वाले के पास प्रेम क्यों नहीं, वो फल क्यों नहीं? क्योंकि तो पेड़ नहीं, पेड़ होगा तो ही फल होगा, फल है तो पेड़ है, पेड़ है तो फल है। लेकिन अगर इसके पास प्रेम नहीं मतलब पवित्र आत्मा का फल नहीं, मतलब पवित्र आत्मा नहीं। और बिना पवित्र आत्मा मैं कितनी भी अन्य भाषा बोलूं पर मैं ठनठनाता हुआ पीतल या झनझनाती हुई झांझ, मतलब देखो वरदान अभी भी है उसके पास लेकिन पवित्र आत्मा नहीं रहे। फिर आगे पढ़ो उसका दूसरा वचन, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब वेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं। देखो भविष्यवाणी ये भी एक वरदान है, परमेश्वर के वचन का ज्ञान उसका भेद ये भी तो एक वरदान है। हाँ, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो, और विश्वास वो भी पवित्र आत्मा का वरदान है, कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं, लेकिन प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं, तो मैं कुछ भी नहीं, मतलब मेरे अंदर प्रेम ना हो मतलब पवित्र आत्मा का फल ना हो। तो फल क्यों नहीं, क्योंकि पेड़ नहीं मतलब पवित्र आत्मा नहीं। लेकिन देखो बिना पवित्र आत्मा विश्वास है, भविष्यवाणी है, इसके पास तो है सब कुछ, मतलब वरदान तो अभी भी है। फिर आगे पढ़ो, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि मैं इतना दान करूं सारी संपत्ति दे दूं, इतना ही नहीं मेरा कोई हाथ पैर भी काट कर किसी को दे दूं, किसको किडनी निकाल कर दे दूं, लेकिन प्रेम नहीं तो बोले मैं कुछ भी नहीं। सारे वरदान होने के बावजूद ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं। लोग यही गलती कर देते, वरदानों को पवित्र आत्मा समझ लेते, वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा का दिया हुआ दान है, वो गिफ्ट है, लेकिन पवित्र आत्मा एक पेड़ है और बिना पेड़ कभी फल नहीं लग सकता, और पवित्र आत्मा के फल भी है और फल कभी बिना पेड़ नहीं लग सकता, लेकिन बिना पेड़ दी हुई गिफ्ट तो वहाँ पर रह सकती है। और ये पवित्र आत्मा समझो है क्या, और बाइबल में हम पढ़ते हैं दूसरा कुरंथी
उसका पहला अध्याय और उसका 22 वचन। जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। बयाने में आत्मा मतलब पवित्र आत्मा हमको दिए। पवित्र आत्मा बयाना है। किस बात का बयाना है? जो हम स्वर्ग में जाने वाले हैं उस स्वर्ग में जाने का बयान। स्वर्ग मेरा है कब? अगर ये बयाना मेरे पास है। समझो आप घर बेच रहे हो तो घर 2-5 रुपए में तो आता नहीं, 2-5 हजार में भी नहीं आता। घर की कीमत होती है 10 लाख 20 लाख 50 लाख करोड़, कितने भी जैसा घर। अगर आपको घर बेचना है, आपने इश्तेहार दे दिया या तो लोगों में बात फैला दी कि मुझे घर बेचना है, तो जो कोई आपका घर देखने के लिए आता है वो पैसा लेकर कहाँ आता है? वो तो सिर्फ सोच कर आता है कि देख करता हूँ, पसंद होगा तो आगे बढ़ेगा। अगर कोई कस्टमर आपके पास आ गया, उसने पहले तो आपका घर देखा, अगर घर पसंद है तभी वो पूछेगा इसकी कीमत क्या है। हो सकता है फालतू में ऐसे ही पूछ ले, वो बात अलग से, लेकिन दिल से कब पूछेगा? जब उसको घर पसंद आए। समझो उसको घर पसंद आया तो अभी वो कीमत पूछेगा, लेकिन कीमत पूछने से पहले उसके मन में भी वो सोच लेता है कि इसकी कीमत कितनी होनी चाहिए। अभी समझ लो आपने अपने घर की कीमत बताई 20 लाख, और उसके मन में भी यही सोच है अगर 20 लाख तक मिलता है तो मैं ले लेता हूँ, और समझो कीमत भी उसको पसंद आ गई। जब ये दो बातें बैठती है ना, एक घर पसंद आता है और कीमत पसंद आती है, तब खरीदने वाले के अंदर एक डर बैठ जाता है। अगर मैं यहाँ से निकला, मेरे बाद कोई और कस्टमर आ गया और उसने घर खरीद लिया तो फिर वो क्या करता है? कुछ पैसे निकालता है अपनी जेब से, 5 हजार 10 हजार 20 हजार, और ऐसा बोलते हैं कि हम बयाना कर लेते हैं कि घर मैं 20 लाख में खरीदता हूँ, और आज मैं आपको उस घर की कीमत से मैं आपको 10 हजार 20 हजार देता हूँ, और बाकी के पैसे 1 महीने में 2 महीने में या जो भी तय करें उस दिन मैं देकर जाऊंगा। लेकिन अब ये घर मैंने खरीद लिया, आप उसे बेच नहीं सकते। अभी जो इंसान ये बयाना खत बना कर देता है, चाहे उसे 20 लाख में बेचा, लेकिन उसके हाथ में आए सिर्फ 20 हजार, लेकिन उसको मालूम है कि 20 हजार नहीं है, देखने जाओ तो अभी 19 लाख और 80 हजार अभी भी कम है, लेकिन वो 20 हजार नहीं देखता, उसको पूरे 20 लाख पूरे दिखाई देते हैं। क्यों? उसको मालूम ही है 20 हजार लेकर आएंगे 19 लाख 80 हजार को, क्योंकि वो देकर गया, फोकट में कहाँ छोड़कर जाने वाला है, क्योंकि वक्त पर वो नहीं आता तो 20 हजार उसके भी चले जाते। तो इसको बोलते हैं बयाना। बयाना है तो पूरी कीमत है समझ लेना। इसका मतलब यहाँ पर जो हमने पढ़ा कि पवित्र आत्मा का बयाना दिया है, पवित्र आत्मा नहीं इंसान के अंदर तो कभी स्वर्ग नहीं जा सकता। फिर लिखा है दूसरा कुरंथी, उसका 5वां अध्याय, उसका 5वां वचन। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। एक बार फिर से लिखा है कि परमेश्वर ने हमको बयाना दिया है, पवित्र आत्मा का बयाना दिया है, वो बयाना है तो ही हम स्वर्ग जा सकते हैं। एक वचन और पढ़ लेते, एफेसी इसका 1वां अध्याय और उसका 13 और 14 वचन। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी विरासत का बयाना है। वो पवित्र आत्मा जिसकी छाप लगी वो तो मीरास का बयाना है। मीरास मतलब जो हमें स्वर्ग में हिस्सा मिलने वाला है उसका बयाना है। देखो 3-3 जगह हमने पढ़ा कि पवित्र आत्मा जो है वो तो बयाना है, उसके बिना हम कभी स्वर्ग नहीं जा सकते। इसका मतलब ये है बयाना नहीं, पवित्र आत्मा नहीं तो स्वर्ग नहीं। आप देखना एक वचन हम पढ़ते जिससे आपको वरदान
और पवित्र आत्मा वो क्या है वो पता चल जाएगा। मत्ती उसका 7वां अध्याय और 21वां वचन, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि वो सारे स्वर्ग में नहीं प्रवेश करेंगे, वो सारे स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे जो उसे हे प्रभु कहते, लेकिन वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार आज्ञा के अनुसार चलते। इसका मतलब यह है कि हे प्रभु कहने वाले सारे परमेश्वर की आज्ञा तो नहीं मानते, आज्ञा मानना जरूरी। फिर आगे पढ़ो। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, उस दिन मतलब जब प्रभु यीशु न्याय करने के लिए बैठेंगे, और दाहिनी और भेड़ और बाई और बकरे होंगे, और बाई और वाले जो बकरे हैं उनको कहेंगे कि जाओ नरक में जाओ, आग की खाई में पड़ो। तब वो लोग कहेंगे हाँ हे प्रभु हाँ, तब ये जो नरक में जाने वाले लोग वो ऐसा कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, क्या तेरे नाम से हमने भविष्यवाणी नहीं की, ये दान तो हमारे पास था। फिर और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, क्या तेरे नाम से दुष्टात्मा नहीं निकाला, मतलब वो भी वरदान था। और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए, और तेरे नाम से एक बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं किए, चमत्कार करने का भी वरदान था। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, लेकिन प्रभु ऐसा कहते हैं, लेकिन उस दिन मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, मेरे पास से चले जाओ। जब भविष्यवाणी की, जब भूत प्रेत निकाले, जब सामर्थ के काम किए, चमत्कार किए, ये सारे प्रभु यीशु के नाम से, ऐसा नहीं जादू टोना से किया, फिर भी स्वर्ग नहीं। इससे पता चला ना, वरदान आपको स्वर्ग में नहीं पहुंचा सकते। फल चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए, और पवित्र आत्मा वो बयाना है। पवित्र आत्मा है तो ही फल है, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं है तो भी उनके वरदान हो सकते, क्योंकि वो गिफ्ट है, आपने मांगा, पवित्र आत्मा दे दिया, वो वहां से चले गए, आपने उनको रोका नहीं, आप तो वरदान से खुश रहे। तो ऐसा हो सकता है कि आप वरदान का कितना भी इस्तेमाल करो, लेकिन उसके बाद भी आप नाश हो सकते हो अगर पवित्र आत्मा को आपने जगह नहीं दी। क्यों पवित्र आत्मा नहीं थे, क्यों ये भविष्यवाणी करने वालों के अंदर वो पवित्र आत्मा नहीं थी, क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा को संभाल कर नहीं रखा। एक दूसरी गलती लोग करते हैं वो ये है कि लोग परमेश्वर से वरदान मांगते। हाँ मैं इसे गलती कहता हूँ, वैसे बाइबल में लिखा भी है वरदानों को मांगो। एक वचन हम पढ़ते हैं, पहला कुरंथी उसका 14वां अध्याय इसका पहला वचन, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, मतलब मांगो परमेश्वर से और पाओ। बाइबल में भी ऐसा लिखा है कि आत्मिक वरदानों को मांगो और उसे पाओ, लेकिन मैं कहता हूं कि लोग गलती करते हैं आत्मिक वरदान मांगकर। वरदानों को मांगने की जरूरत नहीं है। मैं एक भेद की बात बताता हूँ, मैं ये नहीं कहना चाहता ये वचन गलत है, ये वचन सही है, ये गलत नहीं, लेकिन किस तरह से सही और किस तरह से मैं कहना चाहता हूँ इस बात को आप वीडियो पूरा देखकर शांति से इसको समझने का प्रयत्न करना। ये एक भेद की बात है, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक करंट होता है जिससे बल्ब लगाओ तो वो रोशनी देता है, पंखे में डालो तो वो हवा देता है, फ्रिज में लगाओ तो पानी ठंडा कर देता है, और एसी को लगाओ तो पूरा कमरा ठंडा कर देता है, और अगर हीटर में लगाओ सब गर्म कर देता है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तो एक ही है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एक होने के बावजूद उसके काम बहुत सारे हैं। सारे वरदान पवित्र आत्मा ही देते हैं, सारे वरदान पवित्र आत्मा ही देते हैं।
और मैं कहता हूँ कि डायरेक्ट पवित्र आत्मा ही मांग लो, वरदानों को मत मांगो, डायरेक्ट पवित्र आत्मा ही मांग लो। अगर पवित्र आत्मा आएंगे तो सारे वरदान आ ही जाएंगे ना, ये सारे वरदान वही तो देते, तो सारे वरदान आ ही जाएंगे ना। और यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक में लिखा है उसका 11वां अध्याय दूसरा वचन, यहोवा का आत्मा, देखो यहाँ पर एक आत्मा की बात की, यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, दो आत्मा और युक्ति और पराक्रम का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, बुद्धि का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा, ज्ञान का आत्मा और यहोवा के भय का आत्मा। देखो यहाँ सात आत्मा की बात की, क्या ये सारे आत्मा अलग अलग है? नहीं, ये सारे आत्मा अलग अलग नहीं है, ये सिर्फ एक ही आत्मा है, पवित्र आत्मा। उनको बहुत सारे नाम दिए गए, और भी एक वचन पढ़ते हैं जिससे आपको पता चलेगा। इफिसी उसका पहला अध्याय उसका 17वां वचन, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, जो महिमा के पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। यहाँ और दो नाम लिखे, ज्ञान की आत्मा और प्रकाश की आत्मा, दो नाम और यहाँ पर मिलते हैं हमको। फिर आगे पढ़ते हैं दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय और उसका 7वां वचन, दूसरा तिमोथी 1:7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बल की नहीं पर सामर्थ्य, सामर्थ्य की आत्मा और प्रेम और प्रेम और संयम की आत्मा दी, और संयम की आत्मा दी, सामर्थ्य प्रेम और संयम की आत्मा। देखो तीन आत्मा का जिक्र यहाँ पर और किया हुआ है। फिर हम पढ़ते हैं यूहन्ना में, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और उसका 16 और 17वां वचन, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक के एक और सहायक देगा, एक सहायक, ये सहायक कुछ और नहीं मतलब वो पवित्र आत्मा है, फिर कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, अर्थात सत्य का आत्मा। देखो पवित्र आत्मा को क्या बोलेंगे, सत्य का आत्मा। तो ये सारे आत्मा जो लिखे वो सारे आत्मा पवित्र आत्मा ही है, एक ही आत्मा है पवित्र आत्मा, लेकिन उनके जितने जितने काम है ना उस काम के हिसाब से बाइबल में ऐसा लिखा है कि ज्ञान का आत्मा, प्रकाश का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, यहोवा के भय का आत्मा, ऐसे लिखा है। लेकिन वो सारे काम पवित्र आत्मा के, ये कोई अलग अलग से आत्मा नहीं है, ये सारे एक ही आत्मा है, सिर्फ पवित्र आत्मा। लेकिन ये सारे उनके नाम नहीं, उनके काम है। अभी देखो अगर आप ऐसा बोलो, नहीं नहीं मैंने तो इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो सिर्फ रोशनी के लिए ली है, बस मैं सिर्फ बल्ब जलाऊंगा, मैं पंखा नहीं चलाऊंगा, इससे मैं इससे एसी नहीं चलाऊंगा, मैं इससे कपड़े को प्रेस नहीं करूंगा, मैं इससे कूलर नहीं चलाऊंगा, अगर किसी ने जाना तो आपको क्या बोलेंगे, ये मूर्ख है, ये मूर्खता करता है। इलेक्ट्रिसिटी एक ही है लेकिन बहुत सारे काम करती है, तो क्यों ना हम सारे कामों में उसका इस्तेमाल करें। अगर नहीं करते तो वह पागलपन है। मैं कहता हूं कि वरदानों को मत मांगो, सिर्फ पवित्र आत्मा पालो, सिर्फ पवित्र आत्मा को ले लो लेकिन उसका पूरा इस्तेमाल करो। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गए तो सारे वरदान आ ही जाएंगे ना, आप जितना बोलोगे ना उतना ही इस्तेमाल होंगे। इसलिए पवित्र आत्मा को पालो और सारे वरदान आपके अंदर आ ही जाएंगे, बस इस्तेमाल करना शुरू करो, इस्तेमाल करोगे तो पता चलेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि वरदानों को मत मांगो, एक मांगोगे, दो मांगोगे, तीन मांगोगे तो परमेश्वर देते रहेंगे, कितने मांगोगे, इससे अच्छा पवित्र आत्मा ही ले लो तो सारे वरदान साथ ही आ जाएंगे और सारे वरदानों का इस्तेमाल करो। वो लिखा गलत नहीं है कि वरदानों को मांगो, वो सही बात है, लेकिन पवित्र आत्मा पाकर
उस वरदान को इस्तेमाल करना सीखो और सारे वरदान आपके अंदर काम करेंगे। एक बार एक राजा था और राजा ने पूरे अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। बोले कल सुबह 10 बजे राजमहल को खोल दिया जाएगा और आप लोग 10 बजे अंदर आ सकते हो और मेरी जितनी भी चीजें हैं, सोना है, चांदी है, पीतल है, जो भी है, बर्तन है, ये है, वो है, कपड़े, जो भी है, जो भी आएगा और जो भी चीज के ऊपर जो भी सबसे पहले हाथ लगाएगा वो चीज मैं उसको मुफ्त में दे दूंगा। सभी लोग खुश। दूसरे दिन का इंतजार करने लगे। कई लोगों को तो रात को नींद ही नहीं आई, सुबह 10 बजे जाना है। कुछ लोग तो रात को ही आकर लाइन में खड़े हो गए। सुबह 10 बजे दरवाजा खोला गया, बड़ा महल, लोग भागने लगे, कोई इधर कोई उधर, किसी की निगाह इधर किसी की निगाह उधर। राजा अपने सिंहासन के ऊपर ऐसे बैठे हुए, एक 11 साल की लड़की वो चलते चलते राजा की ओर आ रही है, उसकी निगाह है राजा की ओर है और ऐसे बस चलते आ रही है। राजा सोच रहे मेरे पास क्यों आ रही चलते। अब उसको कुछ पूछे उससे पहले तो उसने आकर राजा को ऐसे हाथ लगाया, राजा मेरा। अभी सोचो हुआ क्या, कोई पीतल के पीछे भागा था, कोई बर्तन के पीछे भागा था, कोई कपड़े के पीछे भागा था, कोई सोना के पीछे भागा था, कोई चांदी के पीछे भागा था, लेकिन इस लड़की ने राजा को ही अपना बना लिया। अभी राजा ही उसका हो गया तो ये सारी चीजें किसकी होगी। जब राजा ही उसका तो राजा को किसका कहा हुआ करना पड़ेगा, इस लड़की का। लड़की बोल देगी किसी को नहीं देना है तो राजा कैसे दे सकेगा, नहीं देना है अभी मैं किसी को नहीं दूंगा, तो सारी चीजें हो गई किसकी। बस होशियार बनो, वरदानों को मत मांगो, डायरेक्ट जो पवित्र आत्मा है उनको ले लो और ध्यान से समझना, वरदानों में रहोगे ना मार दिए जाओगे, सिर्फ वरदानों में रहे तो मर दिए जाओगे, क्योंकि पवित्रता आज्ञाकारी पवित्र आत्मा से ही आती है। मत्ती 7:21-23 में हमने पढ़ा, भविष्यवाणी करने वाले नाश हो गए, चमत्कार करने वाले नरक में चले गए, क्योंकि वरदान था उनके पास, सिर्फ गिफ्ट थी। पता है आज बड़े बड़े सेवकों के बारे में ऐसा होता है, कई बार लोगों को सवाल होता है ये लोग पैसे से काम करते हैं, पैसे मांगते, फिर भी इनसे काम क्यों होता है, क्योंकि उनके पास वरदान है और परमेश्वर एक बार गिफ्ट देते तो वापस लेते नहीं, और ये लोग यही भ्रम में रह जाते कि हमारे पास पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा है, नहीं। और इसलिए मैं कहता हूँ वरदान और पवित्र आत्मा दोनों में अंतर है। वरदान वो है जो पवित्र आत्मा दे देते हैं और चले जाते, लेकिन फल वो है वो बिना पवित्र आत्मा नहीं हो सकते। और इसलिए पवित्र आत्मा को मांग लो, पवित्र आत्मा को पालो तो सारे वरदान भी आ जाएंगे, सारे फल भी आ जाएंगे, बयाना भी हो जाएगा और आप स्वर्ग में पहुंच पाओगे। तो परमेश्वर आपको आशीष दे, आमीन।